वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे सोंठ के घरेलू उपयोग। तो आइए जानते हैं कि सोंठ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। चोट लगने पर सोंठ 25 ग्राम, मुलेठी 25 ग्राम और हल्दी 25 ग्राम, इन सभी को मिलाकर चूर्ण बना लीजिए और 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसे लेने से हर तरह की चोट में फ़ायदा होता है। शरीर में कहीं भी चोट लग गई हो तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक प्यास लगने पर किसी किसी व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है, तो ऐसी अवस्था में सोंठ का प्रयोग इस प्रकार कीजिए। 10 ग्राम सोंठ और 10 ग्राम धनिया को लेकर चूर लीजिए और आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो छान कर इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीजिए, इससे अधिक प्यास लगना दूर होता है। शरीर में कहीं भी सूजन होने पर, अगर शरीर में कहीं सूजन हो गया हो तो सोंठ, पुनर्नवा और देवदारू तीनों को बराबर बराबर लेकर काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की सूजन कम होती है। तो आपने ये जाना सोंठ का घरेलू आसान नुस्खा। उम्मीद है इसे ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नई जानकारी नई वीडियो हासिल करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।